जिस तरह से अनामिका अंबर का अपमान किया है, पूरे साहित्य जगत में बिहार जो दिनकर की भूमि, ये बिहार जो रेणु की भूमि, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि कवि को बुलाकर उसका अपमान कर दिया जाए। और एम साइलेंट, ए टू जेड एम साइलेंट, ये क्या माजरा है? देखिए, बिहार में जो जिस तरह से अनामिका अंबर का अपमान किया है, पूरे साहित्य जगत में बिहार जो दिनकर की भूमि, ये बिहार जो रेणु की भूमि, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि कवि को बुलाकर उसका अपमान कर दिया जाए। कोई कई कविता पढ़ता है, हम लोग तो जो कई कवि सम्मेलन में जाते हैं, ज्यादातर कटाक्ष नेताओं पे होता है। लालू जी के राज में भी चुटकुले लालू जी पे पढ़े जाते थे, लेकिन लालू जी ने भी कभी किसी कवि को अपमानित नहीं किया था। ये क्या हो रहा है मिक्सर? ये नीतीश कुमार जी की पार्टी, लालू जी की पार्टी और बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी का नया गठबंधन क्या संदेश देता है? आदित्य ठाकरे के यहाँ आते ही ये किस तरह की राजनीति शुरू हो गई? सोनपुर मेला राष्ट्रीय मेला है, बहुत सारे कवि आए हैं, लेकिन देश की इतनी बड़ी कवि को अपमानित करना, ये बिहार की जनता के स्वभाव में नहीं। ये बिहार है, ये अतिथि देवो भव की भूमि। बिहार सरकार को माफी मांगनी चाहिए, पूरे साहित्य जगत में बिहार की छवि खराब हुई। मैं यहाँ चुनाव के लिए प्रचार में आया, कई गांव घूमा हूं, यहाँ भी गोपालगंज इफेक्ट दिख रहा है। गोपालगंज की हार से घबराकर ही तो राजद ने जदयू की ये सीट दे दी थी, क्योंकि बिहार में जो माई समीकरण था MY, वो समीकरण टूट गया है और उसका ऐलान गोपालगंज में हुआ। ऐसे भी पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन ही जाते अगर सीमांचल में और कोसी में MY समीकरण नहीं टूटता तो, लेकिन अब ये समीकरण हो गया है YM। इसको आइंदा MY न कहें। जो मुख्य पद होता है, जो नेता होता है, उसके बाद कुछ जोड़ा जाता है। तो यहाँ तो अब्दुल गफूर के बाद गोपालगंज से पहले अब्दुल गफूर बने और मुख्यमंत्री, और उसके बाद गोपालगंज के लालू यादव जी बने। तो MY दोनों गोपालगंज से शुरू हुआ वहां। लेकिन आज माइनॉरिटीज की हालत क्या है? 8वें 10वें नंबर पे उथ कराया जाता है। बीजेपी ने तो हमको सेकंड बैच में उथ लिया था, 1 नंबर पे उथ कराया था। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, मुझे इस पर आज ज्यादा नहीं कहना है, मुजफ्फरपुर के लोग गवाह हैं कि इंडस्ट्री में जो काम हुआ, अभी माननीय मुख्यमंत्री वही देखने आए थे, वो फैक्ट्री देखने थोड़ी आए थे, शाहनवाज हुसैन ने कैसा काम किया ये देखने आए। मोतीपुर भी गए थे, बेला में भी देख रहे हैं कितना काम चल रहा है, कितनी महिलाएं काम कर रही हैं। लेदर पार्क, मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क भी हम लोगों ने भेज दिया था, मेरे टाइम में ही गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मुजफ्फरपुर को लेदर पार्क मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी का वोट किसी की जागीर नहीं है, जागीरदारी अब टूटने वाली है। गोपालगंज में टूट गई,
सीमांचल में टूट गई, बोछा में भी आज जब मैं घूमा हूं तो बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के लोग पूछ रहे हैं कि आपने अच्छा सिला दिया हमारे प्यार का, क्या दिया उनको भाई, दोनों को जोड़ दें तो 32 साल हो जाता है दोनों भाई में। सरकार तो बीजेपी तो सहयोगी थी, बीजेपी सरकार में कहां थी, हम तो सहयोगी दल थे। सरकार उसी की होती है जिसका मुख्यमंत्री होता है, जैसे मोदी सरकार कहते हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो बीजेपी की सरकार होती है, सहयोगी दल तो उसमें है मंत्रिमंडल में। उसी तरह यहां भी पहले लालू जी राबड़ी जी सरकार, फिर नीतीश सरकार, और वोट जिनकी आबादी है, आबादी के तनासुब में भाई बीजेपी तो सबका वोट चाहती है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आप सबका वोट कहते हैं ए टू जेड है और एम साइलेंट है, ए टू जेड एम साइलेंट, ये क्या माजरा है। बीजेपी से डरा डरा के सिर्फ वोट लेने की राजनीति, मैंने पिछली सभा में मुजफ्फरपुर में कहा था, उसको मैं दोहराता हूं भी, सिर्फ वोट लेंगे या कुछ काम भी करेंगे। शिक्षक का क्या हुआ, बहाली का क्या हुआ, बीएड किए हुए बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, कोई कह रहा हम चाय बेचेंगे, अरे भी चाय तो जिनको शिक्षा नहीं होती थी गरीब आदमी बेच लेता था, लेकिन जो नौजवान है उनके पास कोई काम नहीं है, थोड़ा मीडिया में भी बेचारों को काम मिल जाता है और कोई काम ही नहीं, एक्सेप्ट टैलेंटेड लोग, और मीडिया में भी जो काम मिलता है वो तनख्वाह नहीं आती जिस सपने से माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया। तो आप यहाँ ना मीडिया इंडस्ट्री को बढ़ने दे रहे हो, ना फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ने दे रहे हो, ना इंडस्ट्री को बढ़ने दे रहे हो, खाली करो मखाना सत्तू। हमने तो कहा था सिर्फ बेचिए नहीं बनाइए भी बिहार में, तो रोजगार चाहिए, अधिकार चाहिए और अच्छा व्यवहार चाहिए, तभी तो बिहार के बच्चे बच्चियां छठ में क्यों अभी भी बिहार सरकार मांग करके ट्रेन दो ट्रेन दो मुझे ट्रेन दो। ऐसा माहौल हो कि यहां से लोग ट्रेन से जाएं अपने त्योहार में, जब गणपति बप्पा मोरिया हो, अब वो सपना अधूरा रहा, काम तो हुआ, अभी तो 1-2 साल उसी पे काम होगा, और आरटीआई लगा के रखिएगा कब योजना गई कब सेंक्शन होगा। तो हमारी कुरहन्नी की जनता से अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल पर बटन दबाइए और हमने अच्छा उम्मीदवार दिया है उसे जिताइए। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए, वाह कॉन्ट्रैक्टर वाह कॉन्ट्रैक्टर, टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए, वाह कॉन्ट्रैक्टर वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर वाह।